पूछते हैं, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना किस हद तक जायज़ है, ख्वाह लड़की को पढ़ाया जाए या लड़के को, इसमें कुरान और हदीस की बेअदबी तो नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की पढ़ाने की खिदमत ये बड़ी मुबारक खिदमत है, इसको पूरे वक़ार के साथ अदा करना चाहिए। घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाने में आम तौर पे जो उसका एक वक़ार होना चाहिए उसके मुनासिब नहीं हो पाता। बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं जो बहुत तवज्जो नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते, और बाज़ दफ़ा पैसे की वजह से ऐसे घरों में जाना पड़ता है। तो एक तो इस पहलू को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वक़ार का एहतमाम हो, और दूसरा ये भी कि आजकल क्योंकि माहौल ऐसा है कि उसके अंदर लोग जो है कुरान करीम से दूर हैं, अब अगर वो कुरान करीम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो कि बहुत कम अफराद होते हैं, यानी सारे अफराद मोहल्ले के नहीं पढ़ा रहे होते, तो उनके साथ कुछ रियायत भी होनी चाहिए। तो वक़ार का एहतमाम भी किया जाए और थोड़ी उनकी रियायत भी की जाए, और पैसे को मद्देनज़र ना रखा जाए, अपनी ज़रूरत जो है उसके मुताबिक जो एक मुनासिब फ़ीस हो सकती है वो ली जाए, लेकिन इसमें पैसे को मद्देनज़र ना रखा जाए, पैसे की वजह से हर जगह जाया ना जाए, और जहाँ पर भी महसूस हो कि वहाँ पे कोई बेइकरामी का सिलसिला है तो वहाँ से छोड़ दिया जाए। तो इन रियायत के साथ अगर कोई पढ़ाता है तो गुंजाइश।